ये कैसा है प्यार जहाँ हो जाता है एक दूसरे पर वार, अब शायद प्यार में भरोसा ही नहीं है जिसमें मिलता है धोखा। ये दास्ता है मोनिका दलवी की, आइए जानते हैं मोनिका की आप बीती। मुझे मुंबई आए 2004 में, मैं बॉम्बे आई थी 2004-2003 में। ओके, तो इन 2003-2004 में जब आप यहाँ पर आई तो कहाँ पे रही और किस पेशे से जुड़ गई थी आप? मैं यहाँ पे आई काफी इधर उधर देखने के बाद कुछ जब काम कुछ मिला नहीं तो मैं बार में गई थी। जी, ये बताया कि कितने सालों तक बार में काम करते रही? 3 से 4 महीना। 3 से 4 महीना। हाँ। और इन 4 महीनों के दरमियान कैसे आप बाहर से निकल पाई ये बताया? मुझे एक दिलीप नाम का शख्स मिला था जी, बहुत अच्छा आदमी था। जब मैंने उसको मेरा सारा प्रॉब्लम बताया कि मेरे गांव में मेरे भाई रिक्शे चलाते हैं जो 3 पहिया के, मेरे घर की बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, 15 लोग हैं पर खाने तक के कुछ भी नहीं है, इतनी पोजीशन खराब है और यहाँ पे भी मेरे पास रहने को जगह नहीं है, मैं लड़कियों के साथ में इधर उधर रहती हूँ, तो उस इंसान ने मुझे उस जगह से बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसने मुझे अच्छे से सब कुछ किया, मेरे गांव में घर बनवा के दिए उसने, गांव के बाद मुझे यहाँ पे मुझे खुद का घर कोपर खन्ना में शिव ओम में बना के दिया, वो दिलवाया। उसी दौरान मुझे एक बच्चा रुक गया, बच्चा रुकने के बाद उन्होंने मुझसे खुला साफ साफ बोल दिया था कि आपको अगर ये बच्चा रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो नहीं, पर मैंने आपकी लाइफ सिर्फ आपके भविष्य के लिए सेट की है कि आप उस जगह से निकलो, गंदी जगह से, वहां पर आप रहोगी तो आपको चिलकौए की तरह खा लेंगे सब लोग। वो सब बोलने के बाद उन्होंने मुझे घर वर किया, मैंने अपनी मर्जी से बच्चा पैदा किया क्योंकि मैं वो पाप नहीं करना चाह रही थी। बच्चा होने के बाद आज भी वो मेरे बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं जो इतना उनसे बनता है। उसके बाद अमित दलवी मेरी जिंदगी में आया मेरे बच्चे होने के बाद। मैं गोल्ड जिम में जाती थी, अच्छा था मेरा सब, गाड़ी थी मेरे पास, मेरा आर्थिक खर्चा सब, पर वो इंसान बाहर का था, उसने क्लियर कर दिया था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ बाहर का हूँ, आप किसी अच्छे आदमी को देख के शादी कर लो, उसमें मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मेरे मम्मी मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं शादी करके सेट हो जाऊं। अमित दल भी मुझे मिले गोल्ड जिम से, उन्होंने मुझे फॉलो करना शुरू किया, 15-20 दिन तक उन्होंने मुझे फॉलो किया, एक दिन मेरे सामने आए, आके मुझे प्रपोज किया। जब मैंने उनको बोला आप डायरेक्टली मेरे पास आके मुझे प्रपोज कर रहे हो, आपको मालूम है मेरा क्या है क्या नहीं है, उन्होंने सब बताया मुझे, तुम्हारा बैकग्राउंड सब मालूम है, तुम्हारा एक बच्चा है, एक आदमी है, पर वो आदमी तुम्हारे साथ रहता नहीं है, उसने तुम्हें सिर्फ उस नरक से निकाला है, बार लाइन से। मैंने बोला नहीं मुझे वो जगह पसंद नहीं है, मैंने उसको बोला, उसने मुझे प्रपोज किया तुम मेरे साथ रहोगी मुझसे दोस्ती करोगी, तो मैंने बोला नहीं मैं एकदम नहीं बता सकती, मैं मेरे घर में मम्मी से डिस्कस करूंगी। मैंने अपनी मम्मी को जब ये सब बातें बताई तो उसको बुलवाया घर पे, दूसरे दिन वो खुद आए, मम्मी से बात की, मम्मी को लगा अच्छा है इंसान है। जब मम्मी को बोला जितना होगा मैं इसको संभालूंगा मम्मी, इसको धोखा नहीं दूंगा, कुछ भी इसके साथ गलत नहीं करूंगा और कुछ टाइम दो मैं इससे शादी भी कर लूंगा। ये होने के बाद मेरी मम्मी मुझे उसके समित करके उसके हवाले छोड़कर यहाँ से चली गई। इसी दौरान फिर मेरा बेटा वंडर किड्स स्कूल में जाता था कोपर खन्ना में, मैंने बोला कि अमित अभी तुम मेरे साथ हो तो मेरे बच्चे का सोचो, मेरा सोचो, कुछ मुझे एक घर अलग से दिलवाओ, ये घर मेरे बच्चे का है, उसका पहले याद जो है उन्होंने मुझे दिया है, मैं इस घर में तुम्हें नहीं अलाउड करूंगी, तुम मुझे एक पर्सनली अपने लिए घर दिलवाओ। उन्होंने मुझसे 1 साल का टाइम मांगा, इस दौरान मुझसे बोलते कि अपना बच्चा यहाँ से गाँव भिजवा दो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उनका क्या है इसमें मकसद, क्या चाल है, बोलते इस बच्चे को गांव भिजवा दो, 1 साल में मैं तुम्हारे लिए घर करूंगा और उसके बाद तुमसे शादी भी करूंगा, फिर बच्चे को यहाँ बुलवा के यहाँ स्कूल में अच्छी एडमिशन करवा दूंगा। मेरे फ्रेंड लोग मुझे लेके गई जिनके यहाँ मैं जाके रुकी थी थाना में। जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगा जिस तरह से आपको पूरी तरह से लूट लिया गया, तो शारीरिक तौर से, जिस्मानी तौर से और साथ में आपकी आर्थिक पूंजी जो थी वो भी सारी लूट ली गई, तो इसकी शिकायत किसी पुलिस थाने में आपने नहीं की, पुलिस का रवैया कैसा रहा आपके साथ? मैंने ये पुलिस कंप्लेंट अभी तक एक बार पहले भी की थी कोपर खन्ना में। कोपर खन्ना में वहाँ के जो सीनियर साहब हैं और वहाँ पे एक उनके साहब थे, उनने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मैंने उनके जैसा पुलिस वाला भी नहीं देखा, उनने मुझे इतना सपोर्ट किया कि अमित को वहाँ पर बुलाया, उन्होंने उनको समझाया भी अमित को कि देख ये यूपी बिहार से आई हुई लड़की नहीं है जो तू इनका रैप करे, इनको जबरदस्ती रखे, और अगर अच्छे प्यार से भी रखे रखता है तो तू
तो उसका जो हक बनता है उसको दे, उसको टॉर्चर मानसिक तौर से नहीं कर और मार मत उसको, मार पीट। ये लोग मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं आए दिन के, मैं इनको ब्लैकमेल कर रही हूँ, मैं इनको धमकियां दिलवा रही हूँ। क्रिमिनल लोग ही है ये, मैं इनको कहाँ से धमकियां दिलवाऊंगी। मुझ पे ये इल्जाम लगाए जाते हैं, मुझसे बोलते हैं तू मेरी नाम की सुपारी देती है और हॉकी लेके मुझे मारने आ जाते हैं। यही रीजन की वजह से मैंने कोपर खन्ना में अपनी कंप्लेन की। उसके बाद वहाँ पे हमारा सेटलमेंट करवाया गया, इनने माफी मांगी, सर ने वहाँ पे मेरे इनसे पैर तक छुपा दिए थे, उनने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनके जैसे अगर साफ रहेंगे तो लड़कियों को न्याय जरूर मिलेगा। वहां से मेरे को न्याय मिला। ये मेरे साथ 5 साल, उसके बाद में 3 साल अच्छे से थे, मारपीट झगड़े चलते थे पर इतने नहीं। अभी जो घर बेचने की बात हुई है, ये घर कब बेचा गया? 3 साल पहले बेचा गया कि अभी अभी बेची गई? ये घर मैंने शादी के 10-12 दिन पहले बेचा था। अच्छा, शादी आपके कितने साल पहले हो गई है? शादी 3 महीने पहले हुई है। 3 महीना पहले आपकी शादी हुई है और 10 दिन पहले आपने बेच दिया? शादी के 10 दिन पहले मैंने घर बेच दिया। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपको नहीं लगा कि ये हो सकता है कि मेरे सारे पैसे लूटने के बाद अपने रंग बदल दिया है? हाँ, इनने ये रंग बदला, पैसे भी लिया, मेरा शारीरिक शोषण किया, एक तरीके से बोला ना जाना कि 5 साल मुझे खाया, यूज किया, और आज जब हक की बात आ गई तो भाग रहे हैं। मुझे ये दिखाया गया कि मेरे बच्चे हैं, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे फिर भी सर मैं इसमें एग्री हो गई, चलो ठीक है, मेरे से भी शादी की है तुमने, तुम्हारे उधर 2 बच्चे हैं, तुम बच्चों की वजह से अगर मेरे पास नहीं रह सकते हो तो मेरा जो हक बनता है, हफ्ते में 3 दिन मेरे साथ रहो, 4 दिन उसके साथ रहो, पूरा फैमिली को बिठा के ये चीज क्लियर करो, उसको 1 दिन दो, मुझे 1 दिन दो। उससे ये भी मैंने इतना तक, मेरे एक शादी करने के बाद कोई लड़की इसमें एग्री होगी, फिर भी मैं एग्री हुई कि मैं ये तक दे दो, तो मुझे बोला गया ठीक है मैं ये हक दूंगा तेरा, ये हक दूंगा। मेरी फैमिली आई, जब मैं आईसीयू में थी वहां पे मेरी फैमिली आई, घर पे आए, घर पे जब मेरी फैमिली, मम्मी, मेरा बेटा, सब लोग यहाँ पर आए, वहां पे आने के बाद गांव से एनआरआई कॉम्प्लेक्स में इनने वहां इतना झगड़ा, इतना मानसिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया, डेली झगड़ा, घर में बच्चे भी डर गए, बच्चे इतना डर गए हद से ज्यादा। इसी दौरान मेरी बहन का एक आदमी है, वो उसको मेरी आंटी ने, उनके रिश्तेदार है, उनको बुलाया सिर्फ एक सपोर्ट के लिए। ये रात को आके उनसे गालियां देने लगा कि मेरी बीवी के साथ सोने आए, ये कर इतने गंदी गंदी बोलते है, मेरी ड्राइवर के साथ सोती है मेरी बीवी, इतनी गंदी गंदी तरीके से मुझे गालियां देती है। आज मैं मेरे पति का हक मांग रही हूँ, आज एक औरत हूँ मैं, अकेली MP से आई हूँ, यहाँ महाराष्ट्र में मेरा कोई नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ न्याय मांगने।